बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली हम एक नज़र देखते जाएं, हमने स्टार्ट किया था सॉयल कोलाइड से, कोलाइड की डेफिनेशन, कोलाइड्स की डेफिनेशन के बाद उनके करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स कौन सी हैं, फिर क्ले मिनरल्स कौन सी हैं, क्ले मिनरल्स होते क्या हैं, उनके फंडामेंटल्स, स्ट्रक्चरल यूनिट्स और शीट्स और लेयर्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने उसके बाद हम आ गए थे कि डिफरेंट टाइप्स क्ले मिनरल्स की, 1-1 टाइप, 2-1, 2-1-1, फिर क्ले मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान। इसके बाद जो थी आयरन, एलुमिनियम ऑक्साइड्स, एलोफेंस, ऑर्गेनिक कोलाइड्स एंड एट द लास्ट रोल ऑफ क्लेज इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी। तो ये सारा टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू आंसर दैट। अब आगे हम मूव करते हैं सोर्सेज ऑफ चार्जेस ऑन सॉइल कोलाइड्स। अभी आपको याद होगा शुरू से बात हो रही थी कि कोलाइड्स पे चार्ज होता है, दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो वो चार्ज होता कहाँ से है, व्हाट आर द सोर्सेज? सर देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज सोर्स ऑफ परमानेंट चार्ज, कि जो परमानेंट डिवेलप हो जाता है चार्ज। दूसरा है पीएच डिपेंडेंट चार्ज, दैट इज सोर्स ऑफ टेम्पोरेरी चार्ज। सो इट मींस ये टेम्पोरेरी होते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। सो पहले हम डिस्कस करते हैं आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन को। आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लें। आइसोमॉर्फिक मींस सेम शेप, दैट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन आयन फॉर एन अदर ऑफ सिमिलर साइज बट ऑफ डिफरेंट चार्ज विद इन अ क्रिस्टल लेटिस। के एक जैसा साइज लेकिन चार्ज डिफरेंट हो। आइसोमॉर्फिक मीन्स सेम शेप या सेम साइज। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। तो विद इन मिनरल सच चार्ज इज कॉल्ड परमानेंट चार्ज एंड इज एक्सप्रेस्ड एज मोल्स ऑफ चार्ज पर किलोग्राम ऑफ सॉइल, मोल चार्ज पर केजी। कॉमनली नोन एग्जाम्पल्स आर मैग्नीशियम फॉर एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम फॉर सिलिकॉन। इसका मतलब ये है कि कॉमनली जो एग्जाम्पल्स हैं कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर सकते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकॉन को रिप्लेस कर सकते हैं। सो इट रिजल्ट्स इन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एज डिस्क्राइब बिलो। सो बोथ रिजल्ट्स हो सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज भी बन सकता है, पॉजिटिव भी बन सकता है। ये अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे होता है। ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। सो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस कैसे बनते हैं? आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इफ द सब्स्टिट्यूटिंग आयन हैज अ हायर चार्ज देन द आयन फॉर व्हिच इट सब्स्टिट्यूट्स। For example, in a trioctahedral sheet, aluminium ion substitutes for magnesium ions, which results positive charge. यहाँ पे अगर आप figure में देखें, ये एक simple sheet है, trioctahedral sheet. इस पे ये ऊपर oxygens हैं, negative charges, दरमियान में magnesium, 2+. ये colors से भी show है, oxygen blue color में, magnesium ये यहाँ पे इस color में. If one magnesium is replaced by one aluminium, यहाँ देख लें तो क्या होगा, aluminium पे 3 charge है, so net 1+ charge add हो जाएगा, so this will become a source of positive charge and this positive charge will be permanent charge. तो इस मिनरल में जहाँ पे aluminium ने magnesium को replace किया वहाँ पे एक plus charge बढ़ गया। नेक्स्ट इज नेगेटिव चार्जेस। अ नेट नेगेटिव चार्ज इज फाउंड इन मिनरल्स व्हेन देयर हैज बीन एन आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ लोअर चार्ज्ड आयन फॉर ए हायर चार्ज्ड आयन। अगर उसके अपोजिट हो, ऊपर वाले पोर्शन के एक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम रिप्लेस करे, फर्ज करें बड़े चार्ज को छोटा चार्ज रिप्लेस करे, तो चार्ज एक नेगेटिव बच जाएगा। मीन्स यहाँ से हम बैलेंस करके देख लेते हैं कि
थ्री थ्री चार्जेस हैं, दो एल्यूमिनियम है। अच्छा, नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, पॉजिटिव चार्जेस कितने, नेट जीरो चार्ज है। अगर एक एल्यूमिनियम की जगह पे मैग्नीशियम आ जाता है तो नेट माइनस वन बढ़ जाता है। सो दैट इज द सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैग्नीशियम फॉर एल्यूमिनियम इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सिमेक्टाइट, परमिकोलाइट एंड क्लोराइट क्ले मिनरल्स। सिमिलरली, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम फॉर सिलिकॉन इन अ टेट्राहेड्रल शीट रिजल्ट्स इन नेगेटिव चार्ज। अगर सिलिकॉन को एल्यूमिनियम रिप्लेस करेगा तो डेफिनेटली सिलिकॉन पे फोर पॉजिटिव चार्जेस हैं, एल्यूमिनियम पे थ्री चार्जेस हैं, तो भी एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, के सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिमिलर साइज्ड आयंस बट ऑफ डिफरेंट चार्जेस विद इन क्ले मिनरल। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द पीएच डिपेंडेंट चार्ज। सो दिस इज सेकेंड सोर्स ऑफ चार्जेस विच आर नोटेड ऑन सम लेयर सिलिकेट क्लेस, फॉर एग्जाम्पल क्योलिनाइट एंड ऑन ह्यूमस, एलोफेन्स एंड आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स इज डिपेंडेंट ऑन सॉइल पीएच एंड दस टर्म्ड एज वेरिएबल आर पीएच डिपेंडेंट चार्ज। इसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि ये वेरी कर सकता है पीएच की वजह से, पीएच अगर चेंज होती है सॉइल की तो ये चार्जेस चेंज हो जाते हैं। सो सिमिलरली, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कम फ्रॉम दिस सोर्स, प्राइमरीली एसोसिएटेड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब इनकी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। फर्स्ट इज ब्रोकन एजेस। द सिलिका लेयर डिवेलप्स अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द ऑक्सीजन आयंस अलोंग द एज ऑफ द क्रिस्टल। ओनली वन ऑफ द टू नेगेटिव चार्जेस ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइंड विद अ सिलिकॉन आयन, देयरफॉर ऑक्सीजन आयंस एट द एंड ऑफ द क्रिस्टल हैव वन नेगेटिव चार्ज अनसेटिस्फाइड। ये बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ नीचे देख लें अगर आपको ये याद आ जाए कि ऊपर वाली जो ऑक्सीजन की लेयर है, शीट है सॉरी, दरमियान में सिलिकॉन है या एल्यूमिनियम है, तो ऑक्सीजन के जो दो चार्जेस हैं, एक तो इसके साथ शेयर हो गया नेगेटिव और एक जो है दैट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। सो वन ऑफ दैट चार्ज दैट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड जो ऐसे रह जाता है वो ब्रोकन एजेस चार्जेस कहलाते हैं। अब क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन इन द सॉइल सॉल्यूशन, आइदर हाइड्रोजन इज एडेड टू द स्ट्रक्चर, प्रोटोनेशन आर रिलीज्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर, डी प्रोटोनेशन। सो दिस चार्ज इज कॉल्ड अ पीएच डिपेंडेंट चार्ज आर वेरिएबल चार्ज। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस दूर जा रहा है, यहाँ पे प्लस अटैच है, यहाँ पे पी प्लस अटैच है, इसको थोड़ा क्लोज करके देख लेते हैं। इसका मतलब ये कि इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड ऑन दैट ब्रोकन एच, उसको हम बोलते हैं दैट्स प्रोटोनेशन, इफ इट इज रिलीज्ड दैट इज कॉल्ड डी प्रोटोनेशन। तो अगर प्रोटॉन्स अटैच होंगे तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, अगर प्रोटॉन्स रिलीज होंगे तो नेगेटिव चार्जेस बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये अब समझ लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव कैसे होते हैं और नेगेटिव कैसे होते हैं। अंडर मॉडरेट टू एक्सट्रीम एसिड सॉइल कंडीशंस, सम सिलिकेट क्लेस एंड आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स मे डिवेलप पॉजिटिव चार्ज बाय प्रोटोनेशन, द अटैचमेंट ऑफ प्रोटॉन आयंस टू द सर्फेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ये एसिडिक सॉइल्स में जहाँ पे जो क्लेस सिलिकेट क्लेस में या दूसरे वाली क्लेस जो कोलाइड से आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स ये एमॉर्फस क्लेस होती हैं, वहाँ पे अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं सॉइल में वो अटैच हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते हैं उन क्लेस में। सो नेगेटिव चार्जेस कैसे होते हैं, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर ऑक्सीजन एटम्स आर अटैच्ड टू आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स इन द इनऑर्गेनिक कोलाइड्स एंड टू कार्बन इन ह्यूमस। एट हाई पीएच कंडीशंस द हाइड्रोजन डिसोसिएट्स फ्रॉम द कोलाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड नेगेटिव चार्ज रिजल्ट्स। तो ये उन सॉइल्स में होते हैं जहाँ पे पीएच ज़्यादा होती है, ज़्यादा पीएच कंडीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स में और कोलाइड्स में, इनऑर्गेनिक कोलाइड्स में या ह्यूमस में। तो ऐसे में
प्रोटॉन डिसोसिएट हो जाता है और वाटर बन जाता है और नेगेटिव चार्ज बच जाता है। सो पीएच ज़्यादा हो सॉइल्स की तो उनमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, पीएच कम हो तो पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेस ऑफ चार्जेस ऑन सॉइल कोलाइड्स। अगेन से एक बार रिमाइंड मैं करता हूँ कि आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट ऑफ आइंस ऑफ सिमिलर साइज बट ऑफ डिफरेंट चार्ज, तो दो तरह से पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। अगर एक बड़े चार्ज वाला आयन छोटे चार्ज को रिप्लेस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अगर छोटे चार्ज वाला रिप्लेस हो रहा है बड़े चार्ज से तो नेगेटिव चार्ज पड़ता है। इसी तरह पीएच डिपेंडेंट चार्जेस हैं ब्रोकन एजेस पे, जो ऑक्सीजन की एक एक चार्ज अनसेटिस्फाइड रह जाता है या हाइड्रोक्सिल हो सकता है जहाँ पे, तो उन पे डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ सॉइल पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। सो थैंक यू।